जय श्री श्याम दोस्तों, सीएमए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुतोष और आज डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल के बारे में। बता दें आपको कि सीएमए यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन जो करवाती है संस्था, इसका नाम है ICMAI। इसे कहते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और ये है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो आप इस वक्त अपनी होम स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज ये सवाल बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है सीएमए की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए या फिर उन बच्चों के लिए जो आगे आने वाले वक्त में सीएमए की तैयारी करना चाहते हैं कि आखिरकार इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ICMAI की वेबसाइट, इसे यूज कैसे करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, किस तरह से ये वेबसाइट बेनिफिट हो सकती है, किस तरह से आपको इस वेबसाइट का इस्तेमाल करना है ताकि आगे आने वाले वक्त में आप सही से सीएमए की तैयारी कर सकें। तो यहां पर आपको इस वीडियो में पूरे सवालों के सही सही जवाब मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इसे पहले से लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सीएमए फाउंडेशन से जुड़े हुए आपको हम प्रेजेंट करते रहते हैं। शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो से। तो जैसे कि हमने बात की कि ICMAI की वेबसाइट में ऐसा क्या खास है जो स्टूडेंट्स इसका फायदा उठाकर अपनी सीएमए की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ICMAI.in पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आप देख सकते हैं कि सामने आपके बहुत सारे टैब्स देखने को मिल रहे हैं। ये सारे ही टैब्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे अबाउट का टैब हो, मेंबर्स का टैब हो, स्टूडेंट्स का हो, प्लेसमेंट्स का हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की पर्सपेक्टिव से पहले इंपॉर्टेंट हमारा जो टैब है वो है स्टूडेंट्स टैब। इसे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप स्टूडेंट्स टैब को क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा और यहां पर आपको अगेन कुछ डिफरेंट टैब्स देखने को मिल जाएंगे। ये टैब्स बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव हो सकते हैं, एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ये टैब्स कितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहले जाते हैं हम कोर्स टैब पर। कोर्स टैब पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जहां पर आपको सीएमए सिलेबस से लेकर जरूरी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाएगी। सीएमए करिकुलम 2022 के बारे में मेंशन किया गया है, स्टडी मटेरियल 2022 के बारे में मेंशन किया गया है, सीएमए की जो प्रोफाइल है साल 2024 की वो किस तरह से रहने वाली है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसके अलावा अगर आप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे देखते हैं तो आप डिफरेंट जो भी फ्लो चार्ट्स और जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि कोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या प्रोस्पेक्टस है, उसकी प्रोफाइल कैसी है, ग्लोबल गोइंग कैसी है, ये सारी बातें आप यहां से जान सकते हैं। ज्यादा जरूरी है इसका लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है, जहां पर ICMAI यानी कि सीएमए की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए खास स्किल्स जानने की और उन्हें सीखने की तैयारी करने के लिए अलग अलग करिकुलम और अलग अलग टैब्स दिए हुए हैं। यहाँ पर ई लर्निंग पोर्टल का मेंशन किया गया है जहां से आप अपनी ई लर्निंग को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन कोई स्किल ट्रेनिंग सेशन यूज करना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एडुकनेक्ट पोर्टल से भी कनेक्ट होकर आप बेहतरीन स्किल्स सीख सकते हैं। यहाँ पर ई लाइब्रेरी के बारे में भी मेंशन किया गया है, जहां पर आप डिफरेंट कोर्सेज की किताबों के बारे में जान सकते हैं। आर्काइव्स के बारे में भी मेंशन किया गया है, जहां पर आप हिस्टोरिकल आर्टिकल्स और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टैब है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने एडमिशन टैब की तरफ। तो जैसे इस टैब का नाम है वैसे इस टैब का काम है, यानी कि अगर आप सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर जैसे एग्जामिनेशंस में रोल इन करना चाह रहे हैं तो एडमिशन का क्राइटेरिया किस तरह से रहने वाला है, किस तरह की आपको फी देनी है, इंटरमीडिएट का क्या सीन है और ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन मिलेंगी। इसके अलावा किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कहाँ पर अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एडमिशन टैब के अंदर देखने को मिल जाती है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पर आपको और भी डिटेल वैल्यूज मिलती हैं, जैसे कि वेयर टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई, इंटरमीडिएट एंड सीएमए फाउंडेशन, ये सारी चीजें तो है ही। साथ में अगर आप ऑनलाइन एडमिशन टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जॉस्टिव तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती है सीएमए फाउंडेशन कोर्स की, इंटरमीडिएट कोर्स की और फाइनल कोर्स की। यहाँ पर सारी बातें मेंशन की गई है कि किस तरह से इन कोर्सेज की फी रहने वाली है, आपकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। आई होप आपको ये टैब समझ में आ रहा है। तो इसके आगे अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टैब की तरफ जो है एग्जेम्पशन टैब। अब एग्जेम्पशन टैब पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको और भी ज्यादा डिटेल व्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे कि अंडर सिलेबस 2022, अंडर सिलेबस 12, ये चीजें क्या है।
ये चीजें हैं वो एग्जेम्पशंस जो आपको आपके एग्जामिनेशंस के अंदर कुछ पेपर्स में मिल सकते हैं। बता दें आपको कि ये जो एग्जाम है ये बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स देने होते हैं। तो जैसे कि अगर आपके पास पहले से कुछ स्किल्स का और कुछ एक्सपीरियंसेस का एक्सपोजर है तो आप यहाँ पर उनके बिना पे अपने कुछ एग्जाम्स को स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है। इसके लिए आपको ऑलरेडी रजिस्टर करना पड़ेगा, एक मिनिमल सी फी भी सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड अच्छी खासी नॉलेज है तो आप यहाँ पर उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, फी सबमिट कर सकते हैं। फिर आपका एक टेस्ट होगा, उसमें पता चलेगा कि हाँ आपके पास उससे रेलेवेंट नॉलेज है, और फिर बाद में सीएमए फाउंडेशन के अंदर या फिर इंटरमीडिएट के अंदर जो भी एग्जामिनेशंस आपको देने होते हैं उससे जुड़े जो एग्जेम्पशंस होते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने ट्रेनिंग स्टाफ की तरफ। तो ट्रेनिंग स्टाफ में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डिटेल रिव्यू दिया गया है कि सीएमए कोर्स आखिरकार किस तरह की स्कीम पर काम करता है, किस तरह का आपको यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन मिलने वाला है। बताया गया है कि स्किल ट्रेनिंग आपकी 120 घंटे की होती है और यहाँ पर जब आप फाइनल लेवल पे आते हो वहां पर 80 घंटे की स्किल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी 15 महीने की होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो करिकुलम है जैसे ही आप सीएमए फाउंडेशन पास कर लोगे किस तरह का रहने वाला है, किस तरह से आपकी स्किल्स को, आपके बिहेवियर को, आपके नेचर को शेप अप किया जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं एग्जामिनेशन टैब की तरफ। एग्जामिनेशन टैब में वही सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी है, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड, आपका जो रिजल्ट है वो किस तरह से आएगा, रैंक्स की जो लिस्ट है वो किस तरह से रहने वाली है, कोई अगर आपके मार्क्स को रीवेरीफाई करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये टैब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी आपके नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर आराम से देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं प्लेसमेंट टैब की तरफ। प्लेसमेंट टैब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरेस्टिंग सा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को पता चलता है कि भाई जिस एग्जाम के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ वहां से मेरी जो प्लेसमेंट है वो किस तरह से होने वाली है, किन तरह की कंपनीज में होने वाली है, क्या वहां पर वैकेंसीज आती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज एंड अपडेट्स में नीचे ही आपको अलग अलग तरह की कैंडिडेट्स की जो रिक्वायरमेंट है उनके बारे में मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी डेट में कैंडिडेट्स को अप्लाई करने का मौका मिलता है। इसके अलावा जब आप प्रेस रिलीज पे जाते हैं तो वहां पर भी अलग अलग ब्रोशर्स मेंशन किए गए हैं, साल 2021, साल 2019, 18 और 17, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रेस रिलीज में देखने को मिल जाती है। अगर आप क्वालिफाइड इंटरमीडिएट स्टूडेंट है यानी कि आपने सीएमए इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो आपके लिए किस तरह की वैकेंसीज अवेलेबल है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ये वैकेंसी आप टॉप पे देख सकते हैं। ये कोलकाता की वैकेंसी है, यहाँ पर आपको अप्लाई करने का मौका मिलता है। इसके अलावा अगर आप ओपनिंग्स फॉर सीएमए डालते हैं यानी कि जो उन्होंने अभी अपना सीएमए पूरा कर लिया है उनके लिए कहाँ कहाँ कैसी कैसी ओपनिंग्स आ रही हैं तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके ज्यादा इंटरेस्टिंग मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं जो बच्चे जानना चाहेंगे। आवर रिक्रूटर्स पे जब आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी वो कंपनीज हैं जो सीएमए के स्टूडेंट्स को यहाँ पर हायर करती हैं, जहां पर वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती हैं ताकि सीएमए के जो पास आउट स्टूडेंट्स है वो वहां जाकर जॉब कर सके, अपने करियर की शुरुआत कर सके। तो यहाँ पर ए टू जेड सारी कंपनीज के नाम मेंशन है। अब आप ए टू जेड सारी कंपनीज के नाम देख सकते हैं, हमारे देश की जो टॉप कंपनीज हैं, चाहे वो गोदरेज हो, रिलायंस हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, इन सब के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सरकारी कंपनीज भी हैं जैसे हुडको और पीएसयू कंपनीज के भी नाम मेंशन किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीएमए की जो स्टूडेंट्स की डिमांड है वो ढेर सारी कंपनीज में मौजूद होती है। आई होप आपने रिक्रूटर टैब को अच्छे से देख लिया है। आपको फिर से याद दिला दूं कि ये सिर्फ एक ओवरव्यू रहने वाला है, आप चाहें तो अत्मनान से इस वेबसाइट में वक्त बिताएंगे। जैसे जैसे आप वक्त बिताते जाएंगे आपके लिए वेबसाइट बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली, बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होती जाएगी। तो आई होप आप इसे फॉलो ऑन करते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नेटवर्क टैब आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टैब है जहां पर आपको सीएमए नेटवर्क के बारे में पता चलता है कि भाई किस तरह से ये पूरा नेटवर्क काम करता है। यहाँ पर चैप्टर्स के बारे में मेंशन किया गया है, ओवरसीज चैप्टर्स के बारे में मेंशन किया गया है, सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस के बारे में मेंशन किया गया है, यहाँ पर स्ट्रक्चर जिस तरह से पूरा सीएमए का रहता है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सीएमए की जो हिस्ट्री है उसे यहाँ पर आप क्लिक करके आराम से पढ़ सकते हैं और अपने जो विजन और मिशन है उन पर आराम से लग सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नेटवर्क टैब की जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी ज्यादा हो जाती है।
तो अब आगे बढ़ेंगे एक और इंटरेस्टिंग टैब जो कि है TOS टैब। इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं, प्रोस्पेक्टस के बारे में जानना चाह रहे हैं, सिलेबस के बारे में जानना चाह रहे हैं, स्टडी मटेरियल, ई लर्निंग, ई लाइब्रेरी, तो ये एक तरीके से पूरा समराइज टैब है जहां पर आपको सारी चीजें एक साथ देखने को मिल जाती है। एग्जामिनेशन के बारे में भी मेंशन किया गया है और फाइनेंशियल एड के बारे में मेंशन किया गया है कि वो बच्चे जो सीएमए फाउंडेशन या फिर इंटर की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह की फाइनेंशियल एड चाहते हैं तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और जब आप ओवरऑल में ये पूरा टैब देखते हैं तो आपको एक समरी दिखती है पूरी वेबसाइट की, जो जो अभी हमने देखा है, चाहे वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपको बुक परचेज करना हो। बुक परचेज करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि बुक परचेज करना इसमें बहुत ही ज्यादा सिंपलिस्टिक वे में बताया गया है। यहां पर ना सिर्फ आपको इन आइकन्स को सेलेक्ट करके बुक को अपने परचेज करना है, बल्कि इंस्टेड आप बुक्स को ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ज्यादा मददगार बात सामने आती है। प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसे परचेज भी कर सकते हैं। यहां पर बस आपको उस फंडामेंटल बुक और उस फंडामेंटल कोर्स के बारे में मेंशन करना है। यहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन भरेंगे, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और वहां की जो बुक्स हैं उन्हें सेलेक्ट करके आप आसानी से डाउनलोड या फिर बाय कर सकते हैं। तो आई होप जैसे जैसे आप इस वेबसाइट का ओवरव्यू लेते जा रहे हैं, आपको ये वेबसाइट और ज्यादा फ्रेंडली लगने जा रही है। मुझे पता है कि ये बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव वेबसाइट है, आपको इसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। आराम से जब आप इसमें समय बिताएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है जो स्टूडेंट्स को समझने के लिए जरूरी है। अगर आप सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी वेबसाइट पर सीएमए फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बो पैक अवेलेबल है, और वो भी सिर्फ 450 रुपए में, जिसमें आपको मिलेंगे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ ऑल सीएमए स्टडी मटेरियल, इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, और साथ ही में आपको डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी भी मिलेगी जो आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेगी। इसे परचेज करके आप अपने चारों सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो फटाफट जाइए और इसे परचेज करिए। मुझे पता है कि अगर आपने यहाँ पर कुछ मिस किया तो आप उसके बारे में कमेंट में बता सकते हैं, उसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में जरूर मेंशन करेंगे। इसी के अलावा ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो फिलहाल सीएमए फाउंडेशन की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर सीएमए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने ICMII की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे चेकआउट नहीं किया है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय टाटा, जय श्री श्याम।